हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ट्रिक ऑफ नाइन। ये जो ट्रिक ऑफ नाइन है हमारी, इसके तीन टाइप्स होते हैं। मैं टाइप्स लिख लेता हूँ। देखो, पहली टाइप में क्या करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 63 इंटू में 9। सेकेंड में लिखता हूँ 637 इंटू में 999। थर्ड में लिख देता हूँ मैं 673 इंटू में 9999। ये हमारे तीन टाइप होंगे। फर्स्ट टाइप में क्या रहता है कि जो ये हमारा 9 है, इसकी वन डिजिट है, जबकि जिसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसकी डिजिट कितनी है, टू डिजिट्स हैं। यानी कि जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ डिजिट हमारी ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकंड में क्या रहता है, देखो 999 जो हमारा है इसकी तीन डिजिट हैं, और हमारा जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ उसकी भी हमारी कितनी है, थ्री डिजिट्स हैं। और जो हमारा लास्ट है उसमें हमने देखा जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी डिजिट हमारी इससे कम है, ठीक है। इसकी चार डिजिट हैं, इसकी तीन डिजिट हैं। तो ये हमारी तीन टाइप रहेंगी और इनको इजीली वन सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे ये ट्रिक सीखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रिक को। तो पहले स्टेप की बात करते हैं आप। सबसे पहले टाइप टू पर आते हैं, क्योंकि टाइप टू सबसे ईजी है। टाइप टू में क्या करना होता है, देखो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करता। बहुत सारे यूट्यूब्स पे आप देखते होंगे कि कैसे कर देते हैं कि आप कहते हैं कि इसको आप 637 और ये तीन जीरो लगा देते हैं भाई, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसमें से 637 माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक थोड़ी ना हुई, ये कोई फास्टेस्ट मेथड नहीं है, ठीक है। जो हम सिखाएंगे वो फास्टेस्ट मेथड होगा। तो शुरू करते हैं हमारे मेथड को, ठीक है। ये अपने को इस तरीके से नहीं करना है ये, ठीक है। हम देखो कैसे तरीके से करेंगे इसको। देखो जैसे हमारा था 637 इंटू में 999, ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अंदर अपने को देखना है, देखो इस जो ये डिजिट है हमारी इसमें से क्या कर देंगे, वन माइनस कर देंगे। यानी कि वन माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारा, 636 रह जाएगा, ठीक है। 636 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो रहेगा हमारा, क्योंकि हम इसके साथ 999 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो आएंगी तीन डिजिट और आएंगी इसके आगे, ठीक है, थ्री डिजिट्स और आएंगे इसके आगे। अब उन थ्री डिजिट्स को कैसे बनाना है, अब ये जो अपने को डिजिट ये बन गई यहाँ पर, अब नेक्स्ट थ्री डिजिट में इनको नाइन कंप्लीट करना आप, ठीक है। जैसे कि सिक्स के अंदर मैं कितना जोड़ूंगी, नाइन बन जाए, तो सिक्स के अंदर मैं कितना जोड़ूँ, थ्री जोड़ूँ तो नाइन बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पर, थ्री आ जाएगा। इसके अंदर कितना जोड़ूँ मैं, इस थ्री के अंदर कितना ऐड करूँ कि ये नाइन बन जाए, ठीक है। तो कितना ऐड करूँ मैं, सिक्स ऐड कर देता हूँ तो नाइन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में इस सिक्स के अंदर कितना ऐड करूँगी, नाइन बन जाए हमारा, ठीक है, तो थ्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सिक्स, ये हमारा आंसर होगा इस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा जो ट्रिक, ज़्यादातर यूट्यूब से मिल जाएगी आपको, लेकिन जो ये ट्रिक है ये नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हमारी बेस्ट मेथड है मल्टीप्लाई करने का इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट करते हैं पापा, थर्ड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर अपनी डिजिट ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है और ये वाली कम है, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें क्या करते हैं, जो ये इसमें तीन डिजिट है इसमें चार डिजिट है, अपने को क्या करना है, इसमें से वही फिर से वन माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 636, ठीक है। लेकिन अपने को पता है कि यहाँ पर हमारी चार डिजिट है, यहाँ पर हमारी तीन डिजिट है, ठीक है। तो मैं इसके आगे क्या लगा लेता हूँ, चार डिजिट पूरी करने के लिए एक ज़ीरो लगा देता हूँ, ठीक है, एक ज़ीरो लगा देता हूँ। फिर वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया पीछे वाले की तरह। अब नेक्स्ट अपनी क्या आएंगी, हमारी चार डिजिट होंगी, ठीक है। और इन चार डिजिट में अब देखो इसको नाइन बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, नाइन, तो नाइन लिख देता हूँ मैं।
अब इसको मेरे को 9 बनाना है, तो मैं कितना ऐड करूँगा 9 बनाने के लिए, 3, तो 3। अब मेरे को इसको 9 बनाना है तो कितना ऐड करूँगा, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और इसको 9 बनाना है तो कितना ऐड करूँगा 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है हमारे लिए, मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गई, यानी डायरेक्ट आंसर लिखते थे अपा, देखो तो क्या हो जाता, जैसे ऊपर लिख के दिखाता हूँ मैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता हमारा, देखो डायरेक्ट करना है अपने को 6 3 6 9 एज हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसके अंदर जोड़ेंगे तो 3, इसके अंदर जोड़ेंगे तो 6, इसके अंदर जोड़ेंगे तो हमारा 2, सॉरी 3, अपने को इसके अंदर जोड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हमारा तरीका, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले मेथड का ये थोड़ा सा इसको समझाना जरूरी है। देखो जब हमारा 63 × 9 रहता है तो इस तरीके से इसको कैसे सोल्व करना है, तो अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस डिजिट को उठाना है, फर्स्ट डिजिट को, ठीक है। देखो 2 डिजिट है, यानी कि हमेशा 9 से ज़्यादा रहेंगे हमारी ये वाली डिजिट, ठीक है। 6 के अंदर क्या जोड़ देना है अपने को, +1 कर देना है, ठीक है। बाकियों में -1 करते थे अपा, इसके अंदर क्या करना है +1 करना है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है 7 हो जाएगा। अब इस 7 को अपने को इस पूरी इसमें से पूरे 63 में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अपा क्या करेंगे 63 में से 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा, ठीक है 56 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसको क्या करेंगे आपा, 10 में से माइनस करेंगे, ठीक है। यानी 10 में से क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 10 में से इस 3 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 567, ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस, देखते हैं आपा, देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके आपको ट्रिक समझ में आ जाए, तो पहले वाले में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ज़्यादा इसके क्वेश्चन इसके कराता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने टाइप 1 के सभी क्वेश्चन लिख लिए हैं। टाइप 1 कौन सी थी दोबारा समझते हैं एक बार अच्छे से। तो टाइप 1 में क्या था कि जब हमारे जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी डिजिट ज़्यादा हो 9 वाली संख्या से, 9 वाली में एक डिजिट है जबकि इसमें हमारी कितनी है 2 डिजिट है। तो ये हमारी टाइप 1 में था क्वेश्चन। तो इसका तरीका क्या था, इसका करने का मेथड क्या था कि ये देखना है कि 9 कितना है हमारा 1 डिजिट है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ दो, पीछे से 1 डिजिट छोड़ दो और जितनी भी डिजिट बच गई उसके अंदर क्या करना है अपने को +1 करना है। तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो हमारा 6 आ गया। फिर जो ये 6 आता है उसको हमने इस पूरी डिजिट में से माइनस करना है, इस पूरी डिजिट में से क्या करना है माइनस करना है। तो 57 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब जो हमारी डिजिट बची हुई थी यानी कि जो 7 था हमारा जो लास्ट में था हमारा, उसको हमने से क्या करना है 10 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 7 गया 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी इस तरीके से क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, जैसे जैसे करेंगे आपको सारी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी ट्रिक है, सिर्फ विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं इसको दिमाग के अंदर और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप इस ट्रिक के थ्रू। तो चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। जैसे मैं देखता हूँ 9 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है 99 में, ठीक है। और इसमें 3 डिजिट हैं, यानी कि हमारे टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में क्या था कि जैसे 99 है तो पीछे से हम क्या छोड़ देंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे, पीछे से 2 डिजिट मैंने छोड़ दी। और इसमें क्या कर दिया मैंने +1 कर दिया यानी 7, और 7 6 + 1 7, और 7 फिर मेरे को माइनस करना है 694 में से। तो 694 में से 7 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 687, ठीक है 7 माइनस कर दिया। अब 687 और फिर हमारा ये कितना 94 पे था, हमने मार्क कर रखा नीचे 94 था। अब इसको किस में से माइनस करना है 100 में से, ठीक है। तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो अपने को क्या लिखना, लेकिन 2 डिजिट है तो क्या लिखना है 06, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी ईजी है हमारी, ईजी ट्रिक है, बिल्कुल ईजी ट्रिक है। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं, ये सिर्फ दिमाग में कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिख करके 9 और 9 की मल्टीप्लाई हमारी 554 के साथ,
ठीक है। अब देखो नाइन, नाइन में डिजिट कितनी है वन, तो पीछे से वन डिजिट मैंने छोड़ दी और इसमें से क्या ऐड कर दिया मैंने 55 प्लस 156 हो गया। और 56 को मैंने क्या करना है अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 554 में से मैंने क्या करना है 56 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, लेकिन 56 करना है अपने का तो कितना आ जाएगा 498, तो 498 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट में देखो 1 है तो मेरे को क्या करना है 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। लेकिन 1 ही डिजिट है तो 6 डायरेक्ट हम इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए कितना जल्दी आंसर आ रहे हैं हमारे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको 1 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को सिर्फ 1 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है, ये 3 डिजिट है हमारी 99 की, 9 की 3 डिजिट है और इधर 3 डिजिट छोड़ दें आपा, ये 3 डिजिट मैंने छोड़ दी और 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है 8 हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है 8 को इस पूरी डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 7 8 2 7, ठीक है ये हो जाएगा मेरा। अब देखो मेरे को क्या करना है, लास्ट में कितनी थी हमारी 3 डिजिट, अब इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा अपने को 1000 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। देखो 1 डिजिट थी तो 10 में से, 2 डिजिट थी तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करना था, फिर से 1 डिजिट थी 10 में से सब्ट्रैक्ट करा। अब देखो 3 डिजिट है, 3 डिजिट को किस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा अपने को 1000 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो बिल्कुल ईजी है सब्ट्रैक्शन। देखो 835 है तो 35 प्लस में 65 कितना हो जाएगा 900 और बचा कितना 100 बच गया, तो 165 हो जाएगा हमारा, तो लास्ट में 165 एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी सोल्व कर पा रहे हैं आप, देखो कितना इजी है इस तरीके से। और ट्रेडिशनल मेथड से जो मेथड आप उस तरीके से करते हैं जैसे 7 8 3 5, इसमें से मैंने क्या करा 99 के बजाय मैंने क्या करा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से फिर मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7 8 3 5, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर हमारा आंसर आएगा। तो देखो कितना लेंथी है, इसमें लिखने की जरूरत पड़ रही है अपने को, इसमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा इसके अंदर। तो समझ गए होंगे आप ट्रिक को। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है हमारा, देखो 9 है, ठीक है 9 है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कौन सा भी मेथड लगा सकते हो, जब हमारी डिजिट जो जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो अगर 4 हो जाती है या फिर 4 से ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी ये क्या सिंगल डिजिट रह जाती है, ठीक है, तब इसमें आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, चाहे तो ये वाला मेथड लगा सकते हो या फिर ये वाला लगा सकते हो, दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन इससे नीचे वाले में ये हमारे क्या रहते हैं, ये जो ऊपर वाला मेथड जो मैंने बताया ये बहुत इजी रहता है, सिर्फ वन लाइन आंसर आता है और सिंपली 1 सेकंड में आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या रहता है, अब देखो 1 है तो पीछे से मेरे को क्या छोड़ना होगा 1 डिजिट मैंने छोड़नी है, बाकी को मैंने उठाना है, तो बाकी कितना हो जाएगा 346 प्लस 1 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 347, और 347 को, ठीक है 347, तो 347 को मेरे को क्या करना है पूरी डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पूरी डिजिट में से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3121। अब देखो ये आ गया, अब लास्ट में क्या था, ये था बचा हुआ था हमारा, देखो मार्क कर रखा नीचे, तो इसको 10 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो देखो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी, इतनी इजी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। टाइप टू पे आते हैं, अब टाइप टू पे मैंने कौन सी बता दी, टाइप टू जिसमें हमारी नंबर ऑफ डिजिट जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो 9 वाली डिजिट है वो क्या हो बराबर हो, जैसे इसमें भी 3 डिजिट है इसमें भी 3 डिजिट है, तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी हमारी टाइप टू, और ये टाइप सबसे ईजी है। तो इस टाइप में क्या करना होता है, इसमें से 478 में से क्या करना है 1 माइनस करना, तो कितना हो जाएगा 477 हो जाएगा। और फिर क्या करना है अपने को, देखो 3 ही है तो अब क्या करना है, देखो इसके आगे हमारा आंसर क्या रहेगा 6 डिजिट में रहेगा क्योंकि 3 ही है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या बनाना है अपने को 9 बनाना है, ठीक है, इसको 9 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है 5 और 4 9 होता है, अब इसको 9 बनाना है तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है 7 2 9 होता है, फिर इसको दोबारा से 9 बनाना है तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 477 522, तो कितना ईजी है, लेकिन उस मेथड से करते हैं आपा जो सिखाया जाता है जनरली 000, ठीक है इस तरीके से लिख देते हैं, और क्या करना होता है फिर अपने को 4478, ये अपने को क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है फिर आंसर लिखना होता है, लेकिन इसमें हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है
तो देखिए लेंथी मेथड कौन सा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने इसमें कमी क्वेश्चन लिखे क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो 643 को मल्टीप्लाई करना 99 के साथ, तो डायरेक्ट करते हैं 642 हो जाएगा हमारा, तो 642 लिख देते हैं। 642, 6 को 9 बनाने के लिए 3, 4 को 9 बनाने के लिए 5, 2 को 9 बनाने के लिए 7, आंसर ये हमारा आंसर, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो 843, तो 843 को बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा 842, 8 को 9 बनाना है 1, 4 को 9 बनाना है 5, 2 को 9 बनाना है 7, आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट और भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 752 कितना हो जाएगा 751, 7 को 9 बनाना है 2, 5 को 9 बनाना है 4, 1 को 9 बनाना है 8, आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी ट्रिक है हमारी ये वाली, और ट्रेडिशनल मेथड से जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मेथड, और जो सिखाया जाता है मेथड ये वाला मेथड, इन दोनों से बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेथड है जो मैंने आपको ये सिखाया। अब हम आ जाते हैं टाइप थ्री के क्वेश्चंस पर, और टाइप थ्री के क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। आप देखो कैसे करना होता है। टाइप थ्री कौन सी थी, जिसमें हमारी 9 वाली जो डिजिट है वो ज़्यादा होती है किस वाली डिजिट से, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, जो 9 वाली डिजिट है वो अगर ज़्यादा हो हमारे जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो टाइप थ्री में आ जाता है वो। अब देखो इसमें क्या रहता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इसमें से 483 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 482 हो जाएगा। लेकिन अपना तो आंसर जो आएगा देखो वो कितना आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट थी, लेकिन हमारी यहाँ कितनी है, 3 है। तो इसके आगे मैं क्या लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ, बस जनरल थिंकिंग के लिए। लेकिन आप आंसर निकालेंगे तब नहीं लगाएंगे। तो देखो अब मैंने लगा दिया ये, अब बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है बिल्कुल पहले वाला। ठीक है, देखो 0 को मैंने क्या बनाना है, देखो आंसर इसमें आएगा हमारा। ठीक है, 0 को 9 बनाना है तो 9 ऐड करेंगे, 4 को बनाना है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 को बनाना है, 8 को 9 बनाना है तो 1 हो जाएगा, 2 को 9 बनाना है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए कितना इजी है, ये टाइप 4 में आ जाता है, टाइप 3 में आ जाता है हमारा ये। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 3 में आ जाते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं, आगे 0 लगा के बिल्कुल सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जो पहले वाले में किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है, 848 है। ठीक है, तो 0 नहीं लगाएंगे आपकी बार अपा। ठीक है, डायरेक्ट मन में सोचेंगे कि 0 है आगे, 2 0 हैं आगे पहले से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 847 हो जाएगा, 2 0 हैं तो क्या हो जाएगा, 9 9। ठीक है, अब 847 तो 8 को 1, 4 को 5, 7 को 2, ये लो आंसर। मल्टीप्लिकेशन 1 सेकेंड में, और ट्रेडिशनल मेथड से बहुत लेंथी, और ट्रिक से 1 सेकेंड में। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में और भी इजी है। तो 7128 मल्टीप्लाई में 9999, 5 टाइम 9, लेकिन डिजिट कितनी है हमारी, ये 5 हैं ये 4 हैं, यानी कि 0 कितनी आएगी इनके आगे, इसके आगे 0 कितनी आएगी, 10 आएगी, तो 10 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 7127, 1 माइनस करके लिख दिया। अब चूंकि कितनी 0 है हमारी, 10 है, तो 10 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर 7 2, 1 को 9 बनाना है 8, 2 को 9 बनाना है 7, 8 को 9 बनाना है 1, ये हमारा आंसर। तो देखो बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 57, 10 आगे थी तो 9, तो 541 आंसर। अब बताइए इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड कोई क्वेश्चन हो सकता है, और ये ट्रिक आपको पूरे इंटरनेट पे मिल जाए पता नहीं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी है, आप समझ सकते हैं ये ट्रिक को। और हमारे चैनल पर हर तरह की ट्रिक मिलेंगी, और क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन मेथड ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है सेलेक्शन का। ठीक है, तो फास्ट कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब देखो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी प्रैक्टिस बची कौन सी टाइप के लिए, फर्स्ट टाइप के लिए। तो मैंने सारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखे। फर्स्ट टाइप में क्या होता था, हमारे डिजिट हमारी 9 वाली जो रहती थी वो छोटी होती थी एज़ कम्पेयर टू जिसके साथ अपने को मल्टीप्लीकेशन करनी है। तरीका क्या था हमारा, तरीका वही था कि 9 कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ दी, पीछे से 1 डिजिट छोड़ दी, और जो बची डिजिट है उसके अंदर क्या ऐड कर दिया अपने, प्लस 1 कर दिया, तो प्लस 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7, और इस 7 को 63 में से क्या करना है अपने को,
सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 57 सब्ट्रैक्ट करना है तो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये 56 हो गया हमारा। और बचा क्या, ये 3 बचा हुआ था। ठीक है, ये 3 हमारे जिसके ऊपर मार्क करा हुआ है, तो इसको क्या करना था, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना था, 10 में से 3 गया 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कितनी जल्दी करते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट कैसे करना है, देखो 99, ठीक है, पीछे पीछे से 2 डिजिट छोड़नी है, इसमें एक जोड़ना, ठीक है, इसमें एक जोड़ दिया 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 541 हो जाएगा। ठीक है, 541, और फिर 41 100 में से 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना जल्दी आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी जल्दी हमारी फास्ट कैलकुलेशन होएगी, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करेंगे उतनी जल्दी फास्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ दी, आगे से क्या करना है अपने को 54 लेना है, 54 को 543 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 543 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 488 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 488, और फिर नेक्स्ट क्या करना है, देखो 1 डिजिट के ऊपर मार्क करा हुआ है, तो ये क्या करना है, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी हो पा रही है हमारी ट्रिक, प्रैक्टिस की बात है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। तो देखो नेक्स्ट करते हैं आप, देखो नेक्स्ट में क्या करना है, पीछे से मार्क करा 185 हो गया। ठीक है, तो 85 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 841 में से, 841 माइनस 85 तो कितना हो जाएगा 756, और हमारा 1 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से, 10 में से 9 1 गया तो 9 हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो ट्रिक्स हैं वो इतनी फास्टेस्ट हैं, मतलब सबसे फास्टेस्ट है, इससे फास्ट नहीं हो सकती हमारी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस करिए और कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।